तो आज हम एक्सपोज करने वाले हैं दो लोन ऐप्स को, एक कैश एडवांस, एक दत्ता रुपी, और भी बहुत सारी 7 डेज की कंपनी है। अगर आप लोन लेके फंस चुके हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम अपने इस चैनल पर लगातार अब यहाँ पर लोन ऐप्स हरासमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहेंगे। तो अब ये सिलसिला चालू हो चुका है, और करंट में अभी अभी लोकेशन में, इसलिए मैंने वीडियो मेरे को अपलोड करनी थी, इसलिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही जल्दी में वीडियो अपलोड करके दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं इन दोनों लोन ऐप्स की, कैश एडवांस और दत्ता रुपी, और जितनी भी 7 डेज की लोन ऐप्स हैं, फर्जी लोन ऐप्स हैं। सबसे पहले तो ये अभी करंट में लोग इसलिए परेशान है कि उन्होंने कॉल कर दिया हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और बहुत ज़्यादा हमें हरासमेंट फेस हो रही है, हमारी जो फ़ोटोज़ हैं उनको मॉर्फ करके भेजा जा रहा है। तो कृपया करके कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे जल्दी से जल्दी हम इन चीज़ से निकल सकें, और हम क्या करें, इनका पेमेंट करें या नहीं, और हम ऐसे लोन ऐप से बचने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो एक ही तरीका है बचने का, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ तो ये है, आपको ऐसी कंपनी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये, रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने एक बार पेमेंट करा इन कंपनी को, इन फर्जी कंपनी को, इन हरासमेंट करने वाली कंपनी को, जिनके कोई लीगल राइट नहीं है लोन देने का। तो क्या हुआ कि उसने पैसे ले लिए, लिंक के थ्रू पेमेंट करवा लिया, उसके बाद भी क्या करा, फिर से कॉल किया, फिर से बोला कि मेरे पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है और मैं अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर मॉर्फ फोटो भेज रहा हूँ, और उसने भेज भी दिया दोस्तों। मतलब कि उस बंदे ने, सब्सक्राइबर ने हमारा पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ोटो भेजी गई। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहली चीज़ तो पेमेंट नहीं करना है, पहले तो ये है, क्योंकि आप पेमेंट करोगे तो आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब रही बात तुरंत में क्या करूँ, हड़बड़ाहट में लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और शॉकिंग ख्याल मन में लाने लगते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, और मैं क्या करूँ। मतलब कोई थॉट प्रोसेस ही उनका जनरेट नहीं हो पाता, वो चलता ही नहीं, दिमाग पूरा नेगेटिव चलता है। तो ऐसे केसेस में सिर्फ आपको करना क्या है, या तो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को अलर्ट कर दो, कुछ फेमस कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उनको अलर्ट कर दो इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, इन फर्जी कंपनी ने कर लिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ने कई वीडियो में बता रखा है। ये चीज़ कर लेना, अगर नहीं मानते तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले को एक व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर दो, या फिर स्टेटस लगा लो, या फिर आप क्या करो, पर्सनली उनसे बात करके उनको कन्विंस करो इस चीज़ को लेकर के। और अगर नहीं मानते फिर भी, तो आप अपने नंबर को बंद कर सकते हो, फिर उनकी प्रॉब्लम है। अगर आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, तो फिर क्या मतलब है आपको ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को समझाने का, जब आप पे वो यकीन ही नहीं करते, समझ रहे हो। तो आपको बिल्कुल टेंशन, सबसे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोन ऐप्स वाले जो लोगों को परेशान करते हैं वो मानसिक तौर पे करते हैं। अगर आप मानसिक तौर पे स्ट्रांग हो तो ये लोन ऐप्स वाले आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। तो इस पर आपका विशेष ध्यान रखो, जितनी भी फर्जी कंपनियां हैं वो सिर्फ 7 दिन और 15 दिन की हैं, रजिस्टर्ड कंपनी के पास ये राइट ही नहीं है। अगर रजिस्टर्ड कंपनी ऐसा करेगी तो तुरंत 10 दिन के अंदर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, अगर लोगों ने 100 कंप्लेंट भी RBI के पोर्टल में कर दी एक साथ, ठीक है ना, और एक सही तरीके से कर दी। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है और बोल रहा है हमने शिकायत कर दी, ऐसा नहीं है। शिकायत का एक प्रॉपर तरीका होता है, जो कि मैंने अपने कई वीडियोज़ में बता रखा है, तो आपको उसी तरीके से यहाँ पर शिकायत इनकी करनी होगी। तो कैश एडवांस, दत्ता रुपये, जितनी भी 7 डेज की कंपनी है, उन सभी के लिए यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, ऐसी फर्जी कंपनी जो प्ले स्टोर पर आई हुई है, सिर्फ लोगों को लूटने के लिए आई हैं, बर्बाद करने के लिए आई हैं, और मानसिक तौर पर कंगाल करने के लिए आई हैं। आपके पास सोच ही नहीं बचेगी जब आप इस प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन मैंने आपको एक क्लियर विजन बता दिया है, हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इनसे निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा फंस चुके थे, हम पिछले 1.5 साल 2 साल से इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आज भी ये लोन ऐप्स बंद नहीं हुई। हमें लगा था कि बंद हो जाएंगी, और बहुत सारी कंपनी जो है बंद भी हो चुकी थी, उनका पैसा भी डूब गया था, लेकिन उन्होंने पता नहीं कॉन्टैक्ट लिस्ट कहाँ स्टोर करके रखी थी, और आज भी लोगों को लूट रहे हैं और उस डाटा का यूज़ कर रहे हैं दूसरे लोन ऐप्स को देने के लिए। तो कृपया करके ऐसे लोन ऐप्स को पहली चीज़ तो इंस्टॉल ना करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप भले शेयर आप फेसबुक में कर सकते हैं, व्हाट्सअप में कर सकते हैं, ट्विटर में कर सकते हैं, कहीं पर भी करो, अपने दोस्तों के साथ करो जो फंस चुका है, और उनको बताओ कि ये इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इनका सामना करने की आपको ज़रूरत है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और आप जिस लोन ऐप्स का एक बड़ा एक्सपोज देखना चाहते हो तो उसका नाम आपको कमेंट हमें कर देना है। अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हो तो हमारी मेल आईडी आपको मिल जाएगी अबाउट सेक्शन में, आप हमें मेल के थ्रू बता सकते हो। और कल से प्रॉपर तरीके से वीडियो आएगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रखना और ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हम कोई वीडियो डालें तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।